वाले सावधान, क्योंकि पूछता है बनारस, देख के मुद्दा लाइव पर प्रहलाद गुप्ता देखा। नमस्कार, मैं सुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। वाराणसी में 14 वर्षों से मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं श्री राम की आरती। धार्मिक कट्टरता पर भारी पड़ रही है राम की आस्था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपना परिचय दो। नाजनीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह की आरती की गई, क्या संदेश दे रहे हैं? आज दीपावली के पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। हर वर्ष लगभग 11 वर्षों से मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये आरती दीपावली पर और रामनवमी के अवसर पर गाई जाती है। और पिछले 11 वर्षों से लगातार हम लोग प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं। हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं, और कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधारा को मानने वाला है, वो उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। इसलिए हम लोग अपने पूर्वज का स्वागत आरती उतार करके, भारतीय संस्कृति के अनुसार आरती उतार करके, गीत गा करके कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया को प्रभु श्री राम से सीखने की जरूरत है, उनके मार्ग पर चलने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं संकटों से घिरी है, इस्लामिक आतंकवाद से घिरी हुई है, कट्टरता से घिरी हुई है, और ऐसे में प्रभु श्री राम ही है का ऐसा चरित्र है जो पूरी दुनिया को मार्ग दिखाता है, पूरी दुनिया को सच्चरित्र पर चलने का रास्ता दिखाता है। देखिए, आज दीपावली का पावन पर्व है। विशाल भारत संस्थान के द्वारा हमारे राजीव श्रीवास्तव के माध्यम से ये प्रतिवर्ष आरती उतारी जाती है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भगवान श्री राम भद्र जी के। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जगत के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का संदेश हर एक धर्म गुरु के द्वारा जाना चाहिए कि सारे लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन लोगों का कहना भी है कि भगवान राम है, मेरे इष्टदेव हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे पूर्वज हैं। और निश्चित रूप से ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा जन जन के हैं, भगवान राम एक के नहीं हैं। और यहाँ पर भगवान राम ने खुद ही जाति पाति के भेद को मिटाने की बात कही है। भगवान ने कहा है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतराई, भगत हीन अर्चोय कैसा, बिंजल बारिद देखे जैसा। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो किसी भी प्रकार के वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो बेकार है, रूखा है, सूखा है। और भगवान जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज जब अवतरित हुए, उन्होंने भी यही कहा, हर को भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। ऐसी स्थिति पर भगवान रामभद्र जी जब लंका फतेह करके अपने देश आए थे, स्वदेश आए थे, तब माताओं ने आरती उतारी और पूरे देश में, पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए थे, मंगल कलश सजाए गए थे, धूमधाम था और आनंद ही आनंद था। आज वही माहौल है, दीपावली त्यौहार है जन जन के लिए, सनातनियों के लिए तो विशेष रूप से। इसलिए यह एक बहुत बड़ा सौहार्दपूर्ण कार्य किया गया। मुझे लगता है अगर ऐसा हर जगह हर क्षेत्र में हो तो हमारा देश विश्वगुरु बनने में अब देर नहीं हो सकता है। Okay.
उंगली उठाने वाले सावधान, क्योंकि पूछता है बनारस देख के मुद्दा लाइव पर प्रहलाद गुप्ता देता।